में तो है तुम्हारा भाई आ गया तेरी बहन का कैरेन हो यप और कैरेन बेबी कैसी हो क्वालिटी दिखाते हुए बॉडी चड्डा 2 रुपीस क्वालिटी क्या भोपड़ी के एक ही पता है हमें कि चाहिए सब में एक ही है हाँ तो फिर पॉइंट है भाई उसको कैसे पता होगा हाँ अब पता चल गया ये फर्स्ट टाइम सुना होगा नहीं आज यार वो पड़ गए बात करने दे रोमांटिक होने दे मेरे नमस्कार जी कैसे हैं आप नमस्कार जी मैं बहुत बढ़िया आप बताइए मैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया करण जी क्या ऐसा हुआ था आपने राष्ट्रीय मार्ग से बड़ी यार नहीं नहीं तुम भाई हां जी आपको बताया तो था वैसे हमने वो उस दिन ग्रुपी वाली चीज हां अरे की भाई को बताना करण क्या हुआ था उस दिन क्या इस बात के लिए तुमने ब्लॉक किया था इस नल्ले ने लंबी चौड़ी बात करी मस्त अच्छा फिर एक टाइम पे आके तुमने कहा चलो मेरा काम हो गया मुझे ग्रुप भी मिल गई बाद में बात कर नहीं 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 मैं इसमें करने करूंगी याद दिला दिया मुझे ग्रुप मिल गए मेरा टाइम पास हो गया टाइम पास हो गया चलो फोन रखो ऐसा भाई ये तो बहुत गलत कहा है आई टोटली एग्री इस चीज के लिए तो ब्लॉक बनता था दैट इज सही किया भाई ब्लॉक किया सही किया हां तो टाइम पास है क्या अरे सुनो मेरी बात यार देखो देखो मेरी बात सुनो अरे रुक तो जाओ फूफा मेरे तू और आग लगा ले बहुत नहीं दे सुनो मेरी बात भाई सब उस वक्त मैंने पी थी दारू ओ अच्छा मैं था भंड नहीं देवीलाल ने तो बोला था कि तुमने गम में बाद में पिया हाँ? नहीं गम बाद में भी हुआ था मेरे को पहले पी के आया था मैं क्योंकि अच्छा, पी के ग्रुपी करने गए थे ओ, देखो भाई साहब अब बंदे मारने या बंदे ऐसे दिखते नहीं भाई जो नॉर्मली थोड़ी आंखें कमजोर है देखो चश्मा पहने पीने के बाद मैं कह रहा हूँ A to Z HD 4K क्वालिटी दिखते हैं मैं सोच रहा था यार करण हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे कर रहे हो मैं लड़की बता रहा हूँ आगे बोल कहाँ पे बताओ मैं भी आऊंगा बेस बैंक करना यहाँ पे लड़की आप समझ के ना अनब्लॉक किया था क्या हाँ रुक मैं आ रहा हूँ अरे क्या हुआ लड़की को पटा रहा चड्डा तू अरे वो मेरा दोस्त है उसको मैं जब भी फोन करता है मैं उसको यही बोलता हूँ इसमें स्पेशली कुछ नहीं था तेरा घर नहीं बच सकता ब्रो ना तू किसी का दोस्त भी बन सकता है सुनो मेरी बात यार रुक जाओ देखो करण मेरे को वो अरे रुक जरा ठीक है देखो करण क्या सीन है कभी भी मेरे को उसका फोन आता है ना तो मैं हर बार यही बोलता हूँ वो पूछते क्या कर रहा है तो मैं बोलता हूँ लड़की पटा रहा है चाहे मैं हग रहा हूँ वैसे भी यहाँ हग ही रहा हूँ नहीं पता तुम्हारा बेटा भी आके कैरन पे सिम कर रहा है हैं बाप बेटे दोनों दल्ले हैं रुको अपने रहने दे बच्चे को कॉल करूँ मैं इसके माँ का हग मारूँ उसके गाल लाल हो जाते हैं एकदम कैरन के देखते शर्मा जाता है गाल अभी गाल लाल करूँगा हेलो मुझे करण को डेट पे ले जा हेलो बेटे मसल पकड़ो पापा की पापा जी ग्रुप ही में बैठो पीढ़ी पीछे लगी है बेटे मेरा रनिदा बच्चा पहले तो पैर छुओ पापा के पापा जी पैर ही बोले पीढ़ी गाड़ मार दी है मेरा जीता रहा रनिदा बच्चा बेटे मेरी बात सुनो आओ ना मिस बैंक ये जो करण है इसके पीछे पड़े हुए तुम है ना इन लोगों ने बोला है कि तुम्हें जब भी करण को देखते तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं अब बताए दे रहे हैं हम अगर अगली बार से तुम्हारे गाल लाल हुए करण को देख के तो गाल को छोड़ो गांडे लाल कर देंगे हम तुम्हारी पापा जी करण जी इज माय फर्स्ट लव बेटे पापा का बेटे पापा को भी पसंद है पापा जी आपको तो मम्मी जी पसंद है ना मम्मी जी चली गई मम्मी दूसरे शहर चली गई घूमने करण जी के लिए मैं बेटे क्या सर काट दूंगा किसी का भी सर काट देगा आपस में लड़ रहे बेटे मैं बताए दे रहा हूँ तुम्हें अगर तुमने करण के बारे में कुछ भी बोला तो पलीटो मिल लियो फिर मेरे को करण जी मेरी है मेरी थी मेरी रहेगी मैं करण जी के लिए सीरियस हूँ बेटे पापा का माल है छोड़ दो माल बोला तो छोड़ दे एक और बार अरे मैं कह रहा हूँ एक और बार उसकी नहीं वो ग्रुपी का माल ग्रुपी के माल के बारे में बात कर रहा हूँ करण मैं क्या कह रहा है बेटे क्या कह रहे हो करण जी मेरी है मैंने उनके साथ सपने देखे हमारे कैसे सपने देखे बताओ जरा अच्छे वाले कैसे अच्छे वाले नाम भाई एक सपना सुनाओ हमने अपने बच्चों का नाम भी सोचा क्या बच्चों का चिंटू पिंटू चिंटू पिंटू बच्चों का नाम खुद बच्चा है वो भी बहुत बढ़िया तेरे से अभी नहीं हो पाएगा तेरा
पापा जी मैं केरिन जी के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है जी। पर बेटे फिर कंपटीशन होगा फिर हमारे बीच में। हाँ, जो इसको केरिन जी पसंद करेगी वो जीतेगा, ठीक है। हाँ, केरिन करेगी, केरिन का करते हैं स्वयंवर। तेरा हो गया ग्रुपी का? हाँ ना, हो गया। आजा तेरे को लोकेशन दे रहा हूँ। बड़ी जल्दी एस्केप हो गया ग्रुपी का। हाँ, कॉल पे बैठे बैठे कर दिया बफड़ी के ने। कॉल पे बैठे गुड एस्केप हो गया भाई। बॉडी चड्डा कह रहा है कि उसको केरिन की तरफ अट्रैक्शन है, और बॉडी चड्डा का बेटा गोलू चड्डा भी यही कह रहा है। साले बाप बेटे दोनों तल्ले। ओए, तुम लोग भी स्वयंवर में हो? नहीं, ये खास मत ज्यादा मलेरिया के मरीज। देखो, मुझे पता है सबसे ज्यादा शहर का क्यूट एंड हैंडसम बंदा मैं हूँ। अगर मेरे से तुम शादी करती हो तो तुम मेरे बेटे की स्टेप मॉम हो जाओगी। तो अट्रैक्शन उसको भी है, मेरे को भी है। तो क्या वो स्टेप मॉम पे अट्रैक्शन करेगा? बाप बेटा दोनों एक्सेप्ट कर सकती हो तुम? तो कम से कम गैंग बोल ले यार। हां भाई, अभी तेरा बेटा भी आ गया, रानी दा बच्चा। हां, मेरा रानी दा पुत्र। ओए गोलू, ये पैर पैर छुओ बेटे, पैर छुओ। अब नहीं छूंगा मैं। मिगे में छू गया। बेटे एक ही पटाई थी, वो अभी चली गई है। क्या करण, तुम्हें एक लड़के में, अपने आशिक में, अपने पति में, अपने बॉयफ्रेंड में क्या ऐसा चाहिए जो हम दोनों में नहीं है? कोई लड़का जो शॉर्ट लिस्ट होगा जिसके साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर ऐसी ऐसी तो तुम रखो ही मत भाई, मोटा नहीं होना चाहिए तो पहले डिस्कार्ड। मोटा वाला तो जॉ लाइन होना चाहिए। जॉ लाइन नहीं आ रही थी, दाढ़ी रख ली। अरे किसी के फिजिकल अपीयरेंस में मत बोलो, बट और क्वालिटी होना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। हां जी, मैं लॉयल हूं पूरा यार। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। बेटा क्वालिटी ढूंढने गया है शायद, ढूंढेगा वहां पे। पहलेगा पहले हमारी पूंछ होती थी। मैं फूल तोड़ के लाया है, देखो। केरिन जी आपके लिए फूल तोड़ के लाया है। हटो दूर, हटो नंदी पुत्र। पल झाड़ों में। थैंक यू। अरे पापा गुलाब लगा के गए थे साले, वहां तेरे वहां पर फूल लगे, यहां गुलाब कैसे आ गया? मैंने वो एक पेड़ था बाजू में ना। अरे वैसे ही चीज बताओ यार गोलू, तुम तो पहले ऐना पे लाइन मारते थे ना, मेरे को अभी याद है। अच्छा, नेक्स्ट बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। मैं नहीं हूं, मैं लॉयल हूं। सुनो सुनो, अभी सब शांत रहना, मैं एक कहानी सुनाता हूं। इन दोनों का क्या चक्कर, दोनों बाल ब्रह्मचारी है। जहाँ देखी कन्याकुमारी वहाँ नियत फिसली इनकी, पति तो इनकी वरना तो है ही बाल ब्रह्मचारी, समझे? खड़ा तो होता, ज्यादा टाइम टेंशन ना लो। समझा तू? मतलब लोगों के पास थोड़े बहुत मैनर्स होते हैं, हमने तो किलो में खरीद के रखे हुए। आवाज आ रही है। वही तो। अबे चड्डा। हाँ। अबे हमारे रेडियो पे माफिया मुंडीर वाले कहते हैं कि इस रेडियो पे हम बहुत टाइम से, तुम कैसे आ गए? ओए माफिया मुंडीर, तुम अपना रेडियो बताओ। 21 वाला, 21 सिचुएशन वाला। वो रेडियो वीडियो के पीछे पड़े हो यहां, ब्यूटी क्वीन खड़ी है। बाद में मतलब चड्डा भाई, आप कैरन जी के आगे रेडियो को प्रायोरिटी दे रहे हो? नहीं, मैंने बोला नहीं यूज़ थिंक। मेरा यही बोलना था कि अगर हम मौजूद है तो अहमियत हमें मिलनी चाहिए। बताओ रेडियो को किसी और चीज को वक्त जाया कर रहे हो तुम कैरन भाई। तो मैनर्स देखो, हम दोनों बाप बेटे में बहुत कूट कूट के भरे हैं। आगे बताइए। आगे भी बता दिया। तो आप अपने बेटे को के बीच में ला रहे हो, अपना पत्ता देखो ना। हाँ, उसको तो हम काट रहे हैं। मैनर्स तो मैंने ही सिखाए ना उसको, उसको मैंने सिखाए हैं, तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? अबे चट्टा, ये 20 पर भी आ गए भाई, कह रहे छोड़ दो इसको, दोनों चाहिए उनको। अरे दे देना तो यार, छोड़ ना भाई, क्या रेडियो के पीछे मत आओ। कैरन चलो, हम दोनों घूमने चलते हैं। ओए मैं अलग नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं। अरे सेलिंग करती रहे ना, बाद में क्या हो गया? सेलिंग ही तो है। नहीं नहीं, फ्री कितने बजे होगी? बस मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे लिए तो कभी नहीं होंगी। थैंक यू विजर्ड,
कौन बोला था? करण जी। हां जी बताएं। करण जी बहुत मुश्किल से मैंने सिखाई है। अम्मी तोरे तो भालोबासी। अम्मी तुमको भालोबासी। नाइस। मैं तेनु बहुत प्यार कर रहा हूं। आई लव यू टू। आई लव यू टू। पहले आई लव यू तो होने दे, टू बाद में कर लियो। चल करण यार, चलो अब हम दोनों के लिए डेट पे चलते हैं कहीं घूमने शूमने। डेट पे तब जाते हैं जब दोस्त बनते हैं, ठीक है? अभी तो सिर्फ अनलॉक हुए हैं आप। दोस्त कैसे बनते हैं? अरे धूप पड़ रही है। नहीं लगता है तुम्हें, जहाँ बोलेगा वहाँ छोड़ देगा। चड्डा एक बात बताओ चड्डा। थैंक यू गुल्लू। इतना दूसरों को तो छतरियां लेके घूमना पड़ेगा तुम्हें धूप से बचाने के लिए। हमारे चड्डा भाई का एरिया बहुत बड़ा है, आपको छतरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने नीचे संभालेंगे तुम्हें। हाँ नहीं, आप उनके साथ घूमोगे तो धूप ही नहीं आएगी। फालतू बात मत कर चड्डा। मतलब पेट यार, पेट इतना बड़ा भाई। देखो ये नीचे देखो कितना छांव आ रहा है चड्डा के पेट में। फालतू नहीं लग रही वो। फालतू में तुम सोच रहे हो सालो, मैंने उसमें भी बोली नहीं है भाई। ऐसा करो तुम 20 मिनट का टाइम दे दो चड्डा को। 20 मिनट? अच्छा ठीक है। हाँ 20 मिनट घूम लो चड्डा के साथ। मतलब दिन भर काम तो करते हो, 20 मिनट अगर तुमको लगा चड्डा सही बंदा है, अच्छा है, तो दोस्ती कर लो यार, नहीं तो कोई बात नहीं। वो करण को गलती से टच हुआ बस हल्का सा। तू ले जा, तू ले जा, तेरे बच्चे को मैं देख। किसने टच किया? मैं बताऊंगी बताऊंगी। चल क्या बताऊंगी बच्चे, तू तू उतरा कैसे? मैंने गोदी में लिया था, बता दूंगी आपको गोदी में उतरा। ऐसे कैसे यार करण, तुम इतनी बिजी कर दिया। मैं वो कॉल कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं नहीं अभी तो नहीं जा सकती है, तुम्हारे बंदे आ गए दोस्त। ये कौन है, ये कौन भेज रहा है मुझे? दिल के बहुत है चड्डा जी। मैंने कहा था आपको सूरज आंख मारी। अभी उसमें घुसना बंद करना। क्या आइसक्रीम खाना चाहोगी तुम? आइसक्रीम अभी है आपके पास? नहीं खिलाएंगे ना तुम्हें, ले जाके स्पेशल ठंडी ठंडी बर्फ में टेंटिकल लेके चल रहे हैं तुम्हें। इतनी धूप में तो पिघल पिघल के उसका पता नहीं क्या हो जाए। नहीं ना इतने में तो मैं कह रहा हूँ लड़की पिघल जाती है, आइसक्रीम क्या दिक्कत है? आइसक्रीम खाते हैं दोनों, तुम्हें भी खिलाऊंगा अपने हाथों से। खुद खा जाओगी उसकी आइसक्रीम? हां वही तो कह रहा हूं मैं। अरे नहीं मैं खिलाऊंगा उसको अपने हाथों से। क्या नाम है इसका? चॉप। चॉप ऐसे ही मेरे पास भी है, उसका नाम है बाबूराव। ओ मेरा रानी का बच्चा। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। तेरे बेटे को सुला दिया मैंने, अब सिर्फ तू और वो है। मैं मान ही नहीं रही वो भाई बात। सुला दिया, सुला दिया। बेटा सो गया, अब कोई नहीं है रास्ते में, तेरा बेटा सो गया। सुला दिया बेटे को, सुला दिया भाई। सुन अभी अरे वो मानती नहीं है, सुन ही नहीं रही वो। अरे कोई नहीं यार, बतिया ले थोड़ी देर। करण तुम आइसक्रीम खाने चल रही हो? अभी तो नहीं दोस्त। चलो ठीक है आजा, तो मिलते हैं करण। बाय बाय। ओके बाय बाय। मेरे को आपके बीच में हमारे प्यार के बीच में दरार लाने के लिए सोच रहे हैं लोग। ओह माय गॉड, कौन सोच रहा है? जाना मत। कौन सोच रहा है मेरा बच्चा? बता तुझे कौन ऐसे मार रहा, बता बता। आई लव यू। मैं अगर ये देखो सही के बोल मत दिया कुछ, करण के आगे कुछ भी बजेगा तो बजा। इसको डिक्की में डाल यार, ऐसे फ्लर्ट होता है बहस किया कि लड़की के सामने बोल रहा है कि पटा रहा हूँ एक लड़की को, बता लसन पटेगी तेरे से वो? ओ भाई हमें नहीं पटानी आती, तुमने बढ़िया पटा ली है तो हम क्या करें अब। भाई देखो फ्लर्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। एक तो ये मादरचोद लोग एनएच के लिख रहे हैं।